हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आगरा यूनिवर्सिटी के मेन एग्ज़ाम और आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में एक छोटी सी अपडेट देने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी सभी आगरा यूनिवर्सिटी के मेन एग्ज़ाम और सेमेस्टर एग्ज़ाम के छात्र छात्राओं से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो क्लास तक देखना ना भूलें। तो पहले एक न्यूज़पेपर की मैं आपको कटिंग दिखाता हूँ। लिखा, दो माह बाद भी नहीं मिल रहे प्रवेश के पात्र विद्यार्थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों के परानस्तक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए बैच पंजीकरण की प्रक्रिया 1 जुलाई से चल रही है। अभी तक इस विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2023 में शासक की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी प्रवेश के लिए पात्र नहीं बन पाए हैं। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हुआ है, इसमें अभी समय भी लगेगा। विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों के स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए वैप पंजीकरण अनिवार्य है। वैप पंजीकरण कराने के लिए गत परीक्षा का प्राप्तक देना होता है। इस विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की मुख्य परीक्षा ही इस माह में खत्म हुई है। अभी तक कॉपियों का मूल्यांकन तक नहीं हुआ है। ऐसे में परिणाम न होने से विद्यार्थी परास्नातक में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। आवेदन करने के लिए उनको परिणाम का इंतजार है। परिणाम जारी होने में भी अभी समय लगेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मुख्य परीक्षा से पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर परीक्षा कराई गई थी। अभी तक उसका भी परिणाम जारी नहीं हुआ है, जबकि कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूरा हो गया है। 20 दिन से डॉक्टर मतलब 20 दिन पहले पूरा हो गया। डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि मुख्य परीक्षा का मूल्यांकन जल्द पूरा कराकर परिणाम जारी किया जाएगा। ठीक है, तो देखो, जितने पहले तो मैं बात कर रहा हूँ सेमेस्टर के रिजल्ट की। देखो, सेमेस्टर का रिजल्ट की अपडेट ये है कि आपकी कॉपीज चेक हुए लगभग 20 दिन हो चुके हैं। पता नहीं आपकी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर वाले का क्यों रिजल्ट रोक कर रखी है। साथ ही बात करें मेन एग्ज़ाम के रिजल्ट की, तो मेन एग्ज़ाम की कॉपी लगभग पूरी हो चुकी हैं। अभी उनका मूल्यांकन कुछ कॉपियों का चल रहा है, कुछ कोर्सेज की कॉपियों का हो चुका है, तो उसमें भी अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो वेट कीजिए, रिजल्ट आपका सितंबर मिड में दोनों ही जारी किए जाएंगे, चाहे सेमेस्टर के हों चाहे मेन एग्ज़ाम के हों। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।